तो गाइज ये है एक फिंगर ग्रिपर, और ये है एक फोरआर्म स्ट्रेंथनर, और ये है आप लोगों को, आप सभी लोगों को तो पता ही होगा, ये है एक हैंड ग्रिपर। और इन तीनों में से कौन से इक्विपमेंट आपको खरीदना चाहिए, अगर आपको बड़े फोरआर्म से, आज के इस वीडियो में वही आंसर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम फिंगर ग्रिपर की बात करें, इसको आप बेसिकली कुछ इस तरह से अपने रिस्ट के पहनते हैं, एंड फिर ये जो चीज आप इसको उंगलियों में कुछ इस तरह से घुसाते हैं। ये फिंगर ग्रिपर चीज कुछ इस तरीके से आपके हाथ पे बैठता है, और फिर आपने हाथ को आप ऐसे एक्सटेंड करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये कभी कभी आपके फिंगर से खुल भी सकता है, बट बेसिकली दिस इज हाउ दिस इक्विपमेंट बेसिकली वर्क्स। इस फिंगर ग्रिपर के लिए आप देखेंगे रिसेंटली एक रील काफी ज्यादा वायरल हुआ है, जहाँ पे एक बंदे ने इस फिंगर ग्रिपर को खरीदा है, कुछ ऐसे करके कुछ 7 दिन या फिर 30 दिन फिंगर ग्रिपर को यूज किया है, और उसके बाद उसके फोर आर्म्स पूरे वैस्कुलर और बड़े बड़े हो गए हैं। मैं वीडियो को अटैच कर दूंगा अगर मुझे वीडियो मिला है, बट अगर आप उस वीडियो को ठीक से देखेंगे तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में जो आर्म यूज किया गया है और एंडिंग में जो एक्चुअल में जो आर्म यूज किया गया है, वो दोनों आर्म एकदम भी सिमिलर नहीं है। मतलब मोटा मोटा दोनों अलग बंदों का आर्म यूज करके आप लोगों को फॉल्स मार्केटिंग बेचा जा रहा है कि अगर आप इस इक्विपमेंट को खरीद के ऐसे करते रहेंगे दिन आपके बड़े बड़े फोरआर्म्स हो जाएंगे, बट लेट मी टेल यू, ये एकदम भी सच नहीं है भाई। और उसके पीछे जो रीजन है गाइस, इस चीज का जो रेजिस्टेंस है ना, मतलब आपको जो रेजिस्टेंस फील होता है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आप अभी एकदम टीनेजर है, अगर 11 12 13 साल के हैं, तब आपको ये शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट अगर आप मेरी तरह 20 साल 21 साल या फिर आप 16 17 के भी है, फिर भी ये आपको इतना ज्यादा इजी लगेगा। मैं क्या बोलूँ, जस्ट लुक एट दिस, कि आपको एकदम भी देख के लग रहा है कि ये मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं ऑनेस्टली। अगर आपके हाथ में कोई नर्व का प्रॉब्लम हो जाता है तब ये यूज किया जाता है आपके, आपका जो मोबिलिटी है वो रिटर्न करने के लिए, बट मसल बिल्डिंग के लिए भाई ये एकदम ही स्कैम प्रोडक्ट है। आपका जो बेसिकली फोरआर्म होता है ना गाइस, ये जो आप मसल देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो पूरा मसल होता है यही आपका फोरआर्म का मेन एक्सटेंसर मसल होता है, और यही आपके फोरआर्म में सबसे ज्यादा ग्रो भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ये चीज कर रहे हैं, आपके एक्सटेंसर मसल्स यहाँ पे कुछ काम ही नहीं कर रहे, आपके थोड़े से यहाँ पे कुछ मसल्स काम कर रहे हैं, बट जो मेन रिस्ट एक्सटेंसर मसल्स है गाइस, वो इस चीज से काम ही नहीं करते। तो आप प्लीज मुझे बताइए कि आपको कैसे अच्छे डेवलपमेंट मिलेंगे फोरआर्म्स में अगर आप ये चीज कर रहे हैं। एंड बिफोर यू गाइस कमेंट कि मेरे भी बड़े बड़े फोरआर्म्स नहीं है, लेट मी शो यू अ मेजरमेंट ऑफ माय फोरआर्म्स, दिस इज हाउ बिग माय फोरआर्म्स एक्चुअली आर, बिकॉज वीडियो में उतना ज्यादा समझ नहीं आता है। अभी आप एक काम कीजिए, आपके जो आर्म का मेजरमेंट है ना, ये आर्म का मेजरमेंट लेके देखिए, देखिए मेरे फोरआर्म के कंपैरिजन में कहां पे है। बिफोर कमेंटिंग कि मेरे पतले फोरआर्म्स है तो मुझे ओपिनियन नहीं देना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इस इक्विपमेंट की, जो बेसिकली एक फोरआर्म स्ट्रेंथनर नाम से बेचा जाता है। बेसिकली इस चीज पे बेसिकली आपको यहां से इस तरह से हाथ निकालते हैं, और फिर इस चीज को ऐसे करते हैं, और इस चीज को ऐसे यूज करते हैं। अब अगर आप लोग स्मार्ट है, आप बोलेंगे कि इस चीज से तो बड़े बड़े फोरआर्म्स बनने चाहिए, बिकॉज आपको जो रिस्ट फ्लेक्सर के जो मसल्स है ये तो वही कर रहे हैं, बिकॉज रिस्ट फ्लेक्सर के मसल आपके फोरआर्म्स को ऐसे फ्लेक्स करते हैं, राइट? आप सही होंगे कि ये डेफिनेटली रिस्ट फ्लेक्सर के मसल्स को काम तो करवाता है, बट फिर भी इससे भी आपके बड़े बड़े फोरआर्म नहीं आएंगे भाई, बिकॉज इसके जो रेजिस्टेंस है, जस्ट लुक एट दिस, बहुत ही ज्यादा कम है भाई। ये जो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का आइडिया मुझे ठीक लगा, ये एक्चुअली आपके रिस्ट फ्लेक्सर्स को काम करवाता है, बट फिर भी इतने कम रेजिस्टेंस के साथ आप कुछ मीनिंगफुल मसल बिल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर इसका कुछ तरीके से एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस कंपनीज निकाल देना कि इसको आप इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हैं, फिर मैं बोलूंगा कि ये सॉलिड प्रोडक्ट हो सकता है, बट अभी के लिए ये एडजस्टेबल एकदम भी रेजिस्टेंस नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि आप इस चीज को ऐसे ऊपर की तरफ मूव करके इसको एडजस्टेबल बना सकते हैं, द प्रॉब्लम इज उसके बाद आपके यहाँ से हाथ ही कैसे निकलेगा, जस्ट मेक मी अंडरस्टैंड हाउ दिस विल वर्क, दिस वोंट वर्क, राइट? तो ये एडजस्टेबल तो नहीं है, कंपनी शुड फाइंड अ वे टू मेक दिस एडजस्टेबल, फिर मैं बोलूंगा ये काम आएगा, या फिर ये जो स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग को एक स्टिफर स्प्रिंग देना चाहिए, फिर ये काम आएगा आई वुड से। एंड फाइनली हमारे पास है हैंड ग्रिपर, ये तो आपको पता ही होगा कैसे काम करता है, कुछ इस तरीके से काम करता है। फिर क्या हैंड ग्रिपर आपको बड़े बड़े फोरआर्म्स देगा? लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड अ बिट। तो अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ठीक है? आप आपके अगर आर्म्स को ऐसे लेके बस इस तरीके से अपने फिंगर को मूव करेंगे और इस जगह को पकड़ेंगे, आप देखेंगे कि आपके जो रिस्ट फ्लेक्सर मसल्स है वो एक्चुअली सिर्फ फिंगर को ऐसे मूव करने से ही एक्टिवेट होते हैं। ऐसे तो डेफिनेटली एक्टिवेट होते हैं, बट सिर्फ फिंगर्स को ऐसे मूव करने से भी आपके रिस्ट फ्लेक्सर मसल्स एक्टिवेट होते हैं, एंड दैट इज हाउ बेसिकली एन हैंड ग्रिपर वर्क्स, कि आप जब पकड़ के इसको ऐसे कर रहे हैं, आपके फ्लेक्सर मसल्स वर्क
कर रहे हैं। हाउएवर हैंड ग्रिपर्स का जो एक सबसे बड़ा प्रो है कि ये एडजस्टेबल होता है। एज यू कैन सी 5 kg 60 kg आप इसको ऐसे नॉब घुमा के ऐसे रेजिस्टेंस डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आप एकदम बिगिनर है, अगर आपके बाजुओं में एकदम भी शक्ति नहीं है, फिर आप इसको ऐसे रिड्यूस करके लो रेजिस्टेंस पे यूज कर सकते हैं। बट ओवर टाइम आप हैंड ग्रिपर से प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कर सकते हैं बिकॉज इसका रेजिस्टेंस आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलूंगा इन तीनों में से हैंड ग्रिपर इज द बेस्ट ऑप्शन। और ऐसे फिक्स्ड हैंड ग्रिपर्स में भी आते हैं। ये है आपका 150 lbs का हैंड ग्रिपर और ये है गाइज आपका USI का 300 lbs का हैंड ग्रिपर जो लिटरली मैं दो हाथों से भी बंद नहीं कर सकता हूँ। इसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हाई है। हैंड ग्रिपर के साथ यही मेन प्रो है, मैं बोलूंगा कि ये आपके रिस्ट फ्लेक्सर्स को डेफिनेटली वर्क करवाता है। बट आप इससे ओवर टाइम धीरे 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 वेट इंक्रीज कर सकते हैं जिससे आपका मसल भी धीरे धीरे ओवर टाइम इंक्रीज होता रहेगा। फिंगर ग्रिपर तो गाइज आपका जो रिस्ट एक्सटेंसर है उसको तो वर्क ही नहीं करवाता, और ये जो फोरआर्म स्ट्रेंथनर है ये वर्क तो करवाता है, बस इसका रेजिस्टेंस इतना कम है कि ऑनेस्टली ये लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज नहीं कर सकते। हैंड ग्रिपर्स आर द बेस्ट चॉइस अगर आपको बड़े बड़े फोरआर्म्स बिल्ड करने हैं। बट लेट मी शो यू एक्चुअली द बेस्ट पीस ऑफ इक्विपमेंट अगर आपको सच में बड़े फोरआर्म्स बिल्ड करने हैं। अगर आपको सच में ही बड़े बड़े फोरआर्म्स बिल्ड करने हैं, देन मैं बोलूंगा कि आपको ऐसा एक डंबल सेट में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ डंबल्स का मेन बेनिफिट क्या है। ठीक है, पहले तो आप ये जो मोशन है ये आप आराम से कर सकते हैं, बट एक हैंड ग्रिपर की तरह आप डंबल को ऐसे फिंगर में भी रोल कर दे सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे फिंगर पे होल्ड किए, फिंगर्स को कर्ल किया, फिर रिस्ट को कर्ल किया, तो इससे आपके जो रिस्ट एक्सटेंसर मसल्स है वो एक्चुअली काफी अच्छी तरीके से काम करेंगे। और डंबल के साथ तो आपको पता ही है कि आप इसको वेट बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आपको सच में बड़े बड़े फोरआर्म्स बिल्ड करने हैं, मैं बोलूंगा एज अ बिगिनर यू शुड स्टार्ट विद द हैंड ग्रिपर, और ओवर टाइम मैं बोलूंगा कि आपको डंबल पे स्विच करना चाहिए। आप सिर्फ एक 10 kg का ही डंबल खरीद सकते हैं, ये एक 10 kg का ही डंबल है। एक 3 kg का ऐसे मेटल डंबल खरीदने की भी जरूरत नहीं है, 10 kg का एक PVC डंबल खरीद सकते हैं, वो बहुत ही कम दाम में आ जाते हैं। मैं बोलूंगा 500-600 रुपए में एक 10 kg का PVC डंबल आपका आ जाएगा। वेरेज ऐसा एक एडजस्टेबल हैंड ग्रिपर आपका 200-250 रुपए का है, तो डंबल इज डबल द प्राइस। बट मैं बोलूंगा कि डंबल के साथ रिजल्ट भी काफी ज्यादा दिखेगा। तो अगर आपको PVC डंबल्स खरीदना है या फिर ऐसा एक एडजस्टेबल हैंड ग्रिपर खरीदना है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। और इन दोनों प्रोडक्ट को मैं लिंक नहीं करूंगा बिकॉज ये मेरे उसूलों के खिलाफ है कि मैं आपको कुछ ऐसा रेकमेंड करूं जो काम ही नहीं करता और मैं पर्सनली कभी यूज भी नहीं करूंगा। PVC डंबल्स और हैंड ग्रिपर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जाएगा। बट अगर आपको अभी इन तीनों हैंड ग्रिपर के ऊपर एक अलग से वीडियो देखना है कि बेस्ट हैंड ग्रिपर कौन सा होने वाला है, एडजस्टेबल या फिर फिक्स्ड हैंड ग्रिपर, देन जाके इस वीडियो को यहाँ पे देखो। चलो बाय बाय।